अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे साथ मिलके दुरूद शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। ऐ बेकसों के वाली, तूफान में है कश्ती और दूर है किनारा। तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा। ऐ बेकसों के वाली, दे दे हमें सहारा। मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। दरूद शरीफ पढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब। हुसैन, आपकी अजमत पर कुर्बान, अपने सारे दुखों के बावजूद जब शानों वाले नाना का शानों वाला हुसैन, अजमतों वाली माँ फातिमातुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत का बेटा हुसैन, जुर्रतमंद बाप का बेटा हैदर कर्रार मैदान में निकलने लगा तो सहमा नहीं, ना खौफ किया, ना रोए, ना आंसू बहाए, बल्कि इमाम हुसैन ने डट कर खड़े हो गए। अमामा सर पर बांधा जो मोहम्मद अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था, आप अमामा आली मकाम यानी कि इमाम आली मकाम हुसैन ने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, मैदान में निकलने लगे रोते हुए। रोते हुए जाओगे जिस सजदे के खातिर, यानी कि रोते रह जाओगे जिस सजदे की खातिर, अब ताकत नहीं होगी हमारे अंदर। अभी वक्त है तो नौजवानों नमाज कायम करो और इस्तग़फार पढ़ो। हुसैन अगर शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन अगर शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अजान ना होती, बशर के चेहरे पे जंग होता, इंसानियत का कुछ और ही रंग होता। हुसैन वो इनकलाब लाया, नकी की ऐसी किताब लाया जिसका उन्वान है शहादत। हुसैन जिंदा है ता कयामत, हुसैन इब्ने अली हैदर पर लाखों सलाम। शिकायत है मौत से नहीं अपनों से, ज़रा सी आंख क्या लग गई कि कब्र खोदने लग गए। काबा जिनका एहतराम करे, क्या काबा जिनका एहतमाम करे, फातिमा वो हैं जिनका इस्तकबाल नबियों का इमाम करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन हुसैन वो हैं खुदा जन्नत जिनके नाम करे। हसन हुसैन वो हैं खुदा जन्नत जिनके नाम करे। हुसैन वो हैं जो सर कटा कर भी तिलावत कुरान की सरे आम करें, जिन्होंने नेज़ों पर कुरान सुनाए हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना वो है जिनकी तारीफ सारा कुरान करे। अब दुरूद शरीफ पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अरे हसनैन के नाना मदीना याद आता है, अरे हसनैन के नाना मदीना याद आता है। मदीने में जो गुजरा वो जमाना याद आता है। अली अरिफातमा हसनैन का सदका बुलाइए मदीने में। जुदाई में तड़पती हूँ मदीना याद आता है। अरे हसनैन के नाना मदीना याद आता है। तेरी महफिल सजाऊं और तेरे गीत में गाऊं। अरे हसनैन के नाना मदीना याद आता है। दुरूद शरीफ पढ़िए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले नबी औलाद अली पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी के दीवानगी में होश के आसार आ गए, दीवानगी में होश के आसार आ गए, जब से मेरे ख्याल में सरकार आ गए। हर सांस एक खलीज है जिक्रे रसूल में, ये फासले मदीने के बहुत करीब आ गए। यानी के फरमाने आलीशान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसके दिल में हुसैन होगा वही जन्नत का हकदार होगा। जब कहा कि बाबतुल इस्लाम है, मौला अली को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो हुसैन हसन हुसैन तक नहीं पहुंचा तो वो अली तक नहीं पहुंचा, जो अली तक नहीं पहुंचा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुंचेगा और अल्लाह तक रसाई कैसे करेगा। हुक्म रब्बी से उन्होंने सजदे में सर कटा दिए, खेमे जल गए, बीबी बेपर्दा हो गई, मासूम बच्चे शहीद हो गए। किसकी खातिर? उम्मत की खातिर। और आज उम्मत उस मकाम पे खड़ी है कि सिर्फ ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ना तेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। दुआ मांगिएगा मेरे साथ, अल्लाहुम्मा या रब्बना, अल्लाहुम्मा या रब्बना, या इलाहुल आलमीन, तेरे तेरे हबीब के जिक्र खैर की बरकत से पंतन पाक साहबा इकराम तमाम शहदा ने करबला के सदके से, या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता, अल्लाहुम्मा आमीन, या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको सेहत अता, अल्लाहुम्मा आमीन, या अल्लाह जो बीमार हैं सेहत कामला अता, अल्लाहुम्मा आमीन, या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर, अल्लाहुम्मा आमीन, या अल्लाह जो घर से बेघर हैं उनको घर अता, अल्लाहुम्मा आमीन, या इलाहुल आलमीन जो देश परदेश है वापस वतन उनको पहुँचा दे, अल्लाहुम्मा आमीन, या इलाहुल आलमीन जो कुछ लोग दुश्मन पड़े हुए हैं लोगों के पीछे, या अल्लाह उनको दूर कर दे। महबूब के सदके से पंतन पाक साहबा इकराम तमाम शहदा ने करबला के सदके से, या इलाहुल आलमीन हमें पंज वक्ता नमाजी बना, अल्लाहुम्मा आमीन, या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता, अल्लाहुम्मा आमीन, या अल्लाह हमें पक्का और सच्चा मुसलमान, अल्लाहुम्मा आमीन, या इलाहुल आलमीन जब तेरा वादा वक्त मौत का आ जाए हम सब की जबान पे हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ठीक है गाइस, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कल वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएँ। अल्लाह हाफिज़।